हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमित तलडा, आपका फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड। इस वीडियो में प्योरली मैं लाया हूं एक्शन प्लान, जो कि बहुत ज़रूरी है। काफ़ी लोगों ने अभी एग्ज़ाम्स दी हैं दिसंबर 17 में, और काफ़ी वो टाइम वेस्ट कर रहे हैं, मुझे दिख रहा है। तो एक मैंने सोचा एक्शन प्लान बनाते हैं उनको ये गाइड करने के लिए कि उनको क्या करना चाहिए, कि अभी भी 1.5 मंथ्स हैं, अभी भी टाइम बाकी है। एग्ज़ाम्स को 15-20 दिन हो गए हैं, काफ़ी उन्होंने इन्जॉय कर लिया है। अब जो एन्जॉयमेंट चल रहा है वो थोड़ा एक्सेसिव है, और मुझे लगता है अब एक्शन प्लान बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप थोड़ा भी सीएस के लिए सीरियस हो तो आपको अभी एक्शन प्लान बना लेना चाहिए। तो मैं आपको हेल्प करूँगा एक्शन प्लान बनाने में। तो देखिए, एक्शन प्लान में मैंने कैसे डिवीजन किया है, मैंने तीन में डिवाइड किया है। या तो आपने फर्स्ट ग्रुप दिया होगा, या तो सेकेंड दिया होगा, तो बोथ दिया होगा। तीनों में तीन पॉसिबिलिटीज़ हैं, तीन ही पॉसिबिलिटी हैं। पहला है, या तो आप कंफर्म फेल हो, या तो आप कंफर्म पास हो, या तो आप श्योर नहीं हो। तो कंफर्म फेल काफ़ी लोगों को पता चल जाता है, पेपर देख के, पेपर हॉल से बाहर आने के बाद ही उनको पता चल जाता है कि वो फेल होने वाले हैं। कुछ लोग और ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं, उनको पता होता है कि उन्होंने क्या लिखा है, कितना डिजर्व करते हैं मार्क्स, और उनको लगता है कि यार 40 और एग्रीगेट आ जाएगा। और एक होते हैं जो 50-50 होते हैं, उनको पता नहीं चलता कि यार क्या होगा, चेकिंग पे डिपेंड करता है, ICSE का भरोसा नहीं है। तो ऐसे मैंने तीन में डिवाइड किया है। आइए एक एक में देखते हैं कि आपको इन सिचुएशंस में क्या करना चाहिए बेस्ट पॉसिबल। सबसे पहले फर्स्ट ग्रुप, अगर आपने फर्स्ट ग्रुप दिया है और आपका अभी सेकंड ग्रुप बाकी है, तो पहला है कंफर्म फेल। तो इसमें तो मेरा एक ही सजेशन है हर वक्त कि भाई आपको किसका इंतज़ार है, आपको पढ़ाई पे लग जाना चाहिए। 8-10 दिन हो गए हैं, आपने एंजॉय कर लिया है, आपको एक ब्रेक मिल गया है, आपने काफ़ी मेहनत की होगी, 3-4 महीने पढ़ा होगा, अब आपको ज़रूरत जो नीडेड ब्रेक है वो आपको मिल चुका है, अब आपको पढ़ाई पे लग जाना चाहिए। फिर है कंफर्म पास। तो इनका अगर सेकेंड ग्रुप बाकी है इन लोगों का, तो आपको तो बिल्कुल वेट नहीं करना चाहिए। अगर आप कन्फर्म पास हो तो आपको सेकेंड ग्रुप की पढ़ाई स्टार्ट करना चाहिए, क्लासेस वगैरह के लिए देख लेना चाहिए। और फिर है अगर आप श्योर नहीं हो, मैक्सिमम ऑडियंस इसी ऑप्शंस में है कि वो श्योर नहीं है, 50-50 चांसेस हैं, तो वो क्या करें। तो आपने अकाउंट्स पढ़ाई होगा, मैं अकाउंट्स का टीचर हूँ, तो मैं तो बोलूँगा फॉलो कंजर्वेटिज्म, और आप मान लो कि आप फेल होने वाले हो। नहीं भी हुए तो आपके एटलीस्ट पढ़ाई होगी, आप फिर से रिवाइज कर लोगे, और कहीं ना कहीं आपको सेकेंड ग्रुप और सी एस प्रोफेशनल में उसका फ़ायदा मिलेगा। तो आप अज्यूम करो कि आप फेल होने वाले हो, और आप पढ़ाई बिल्कुल स्टार्ट कर लो। उसमें कोई भी आप अपने आप को कन्विंस मत करो कि आप पास हो जाओगे और आप टाइम वेस्ट करोगे। तो बेटर है फॉलो कंजर्वेटिज्म एंड स्टार्ट द स्टडी। फिर आते हैं सेकेंड ग्रुप पे, कि सेकेंड ग्रुप अगर आपने दिया है तो आपको क्या करना चाहिए। सिर्फ सेकेंड ग्रुप दिया है तो पहला है सेम कंफर्म फेल, तो मेरा आंसर सेम है। काफ़ी हार्श लगेगा कुछ लोगों को, पर ये लैंग्वेज बिल्कुल रियलिस्टिक है, आपको ऐसा ही करना चाहिए। फिर है कंफर्म पास में, अगर आपने आपका फर्स्ट ग्रुप पेंडिंग है तो बेटर है आप फर्स्ट ग्रुप चालू कर दो, या अगर आपका फर्स्ट ग्रुप पास हो गया है और अब आपने सेकंड दिया है और आप उसमें भी कंफर्म पास होने वाले हो, तो फिर बेटर है आप प्रोफेशनल स्टडीज़ के बारे में देखो, उसके सब्जेक्ट्स देखो, क्लासेस वगैरह के लिए प्लान कर लो, और आगे का पढ़ाई स्टार्ट कर दो। और फिर है अगर आप श्योर नहीं हो, तो फिर मेरा आपको यही सजेशन होगा कि आप रिवाइज करते रहिए सेकेंड ग्रुप, और आप वीक एरियाज नोटिफाई कर लीजिए, ताकि जब रिजल्ट हो और अगर गलती से आप फेल हो गए तो आपके पास एक चेकलिस्ट रेडी होना चाहिए कि आपको क्या टॉपिक्स पे ध्यान देना है। और फिर आते हैं कि अगर आपने बोथ ग्रुप दिए हैं, करेक्ट, बोथ ग्रुप दिए हैं, और दोनों में आप कन्फर्म फेल होने वाले हो, ठीक है। काफ़ी लोग सोचेंगे एक पास एक फेल या दोनों फेल, ठीक है, तो आंसर सेम है, आपको पढ़ाई पे लग जाना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल थोड़ा भी टाइम वेस्ट और नहीं करना चाहिए। और सेकंड है कि आप बोथ ग्रुप दे रहे हो और आपको लगता है कि कंफर्म पास होने वाले हो, अब इसके चांसेस बहुत कम है, बिकॉज आपको मैं बता दूं बोथ ग्रुप का रिजल्ट आता है 4-5%, उससे ज़्यादा थोड़ा भी नहीं आता, और आप एक्सपेक्ट भी मत करो, तो चांसेस बहुत कम है। फिर भी आप कॉन्फिडेंट हो तो बेटर है आप प्रोफेशनल लेवल का स्टडी स्टार्ट कर लो। और मैं इसका आपको एक लिस्ट दे सकता हूँ कि कौन से चैप्टर्स, कौन से सब्जेक्ट्स आपको प्रोफेशनल लेवल पे भी पढ़ने हैं, तो बेटर है आप वो रिवाइज कर लीजिए ताकि आप अप टू डेट रहें। और फिर एक है कि आप श्योर नहीं हो, बोथ दिए हैं और श्योर नहीं हो, तो सेम आप बोथ ग्रुप्स रिवाइज करो इक्वल इंपॉर्टेंस के साथ, कंजर्वेटिज्म फॉलो करो, मान लो कि आप फेल होने वाले हो, और आप पढ़ाई चालू कर दो, ठीक है। इन एनी केस अगर आप मेरे पूरा PPT एनालाइज करेंगे, तो मेरा ये बोलना है कि आपको पढ़ाई स्टार्ट कर देनी चाहिए, कि 10-12 डेज आप एंजॉय कर चुके हो, इससे एक्सेसिव एंजॉयमेंट आपको ही भारी पड़ेगा, 6 मंथ्स और बढ़ जाएंगे। इंस्टीट्यूट, आपको पता ही है इंस्टीट्यूट का रूल क्या है, ज़्यादा
आप छुट्टी करोगे ज़्यादा, आप टाइम पास करोगे तो आपको 6 मंथ्स दे देगा, तो बेटर है आप पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। अब कुछ स्टूडेंट्स ने ये बोला है कि क्या मैं कुछ सर्टिफिकेट कोर्सेज कर लूँ, NCFM, NISM, बहुत सारे बैंकिंग के और इसके या स्टॉक मार्केट के कोर्सेज हैं, तो काफ़ी लोग बोल रहे थे कि 1.5 मंथ्स या 2 मंथ्स में हम कुछ कोर्स कर लें। तो मैंने उनको ये बोला कि अगर आप कन्फर्म पास होने वाले हो तो ही आप इन बारे में सोचो, अगर आपका थोड़ा भी डाउट है कि आप फेल होने वाले हो तो आप इस टॉपिक पे सोचो ही मत, पूरा डायरेक्शन ही अलग है, बेटर है आप कोई गलत डायरेक्शन न पकड़ो इस समय पे, CS कंप्लीट करने के बाद सोचो। और दूसरी बात, ये जितने भी लोग NISM या NCFM सोचते हैं, पहले तो मैं बता दूं NCFM मैं कर चुका हूँ, 10 सर्टिफिकेट्स हैं मेरे पास, Level 4 प्रोफेशनल हूँ मैं, तो जितने भी इसमें नॉलेज हैं, जितने भी इसमें टॉपिक्स हैं, वो सब आपके एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल लेवल पे कवर्ड है, तो ज़रूरत नहीं है जस्ट बिकॉज आपके कुछ फ्रेंड्स कर रहे हैं तो आपको भी करने की इच्छा हो रहा है, तो ये बहुत ही गलत है, उसमें थोड़ा भी नॉलेज इंक्रीमेंट नहीं है, थोड़ा बहुत होगा बहुत ही कम, पर वो आपकी फील्ड से इतना रिलेटेड नहीं है, आपको सेबी के गाइडलाइंस ज़्यादा हैं और ग्राउंड मतलब एकदम टेक्निकल पॉइंट ज़्यादा हैं उसमें। NISM और NCFM में सॉफ्टवेयर और उनके जो डिटेल प्रोसीजर्स हैं उसमें थोड़ा सा टेक्निकल पार्ट है, आपको रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ज़्यादा है और कॉम्प्लायंस लेवल पे ज़्यादा है, आपको थोड़ी टर्मिनल्स वगैरह चलाने हैं, ठीक है, तो वो थोड़ा फील्ड अलग है, अच्छा है, अट्रैक्टिव है, लोग इसलिए बहुत सोचते हैं कि करें, पर मेरे हिसाब से एडवाइजेबल नहीं है, बेटर है इससे अच्छा मेरा एक सजेशन है जो मैंने अपना एक्सपीरियंस आपको बता देता हूँ मैं, कि आप अगर आपके आसपास टाइम है तो आप बेटर है आप पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोर्स करें, इंग्लिश स्पीकिंग या पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोर्स, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप कंपनी सेक्रेटरी बनने वाले हो, आपको लिंग्विस्टिक स्किल्स, आपके सॉफ्ट स्किल्स बहुत अच्छे होनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होनी चाहिए, तो वो आप शार्प करो, बेटर है उसमें आप टाइम डिवोट करो, क्योंकि ये स्किल्स डेवलप करने में बहुत टाइम लगता है, ठीक है, पहले तो उसमें बहुत आपकी इच्छा थोड़ी कम होगी, एंथुजियाज्म बहुत लगता है, आपको खुद होकर इनिशिएटिव लेने पड़ेंगे, बहुत हार्डवर्क करना पड़ेगा, तो बेटर है आप उस पर टाइम स्टार्ट करो, वो कैप डेवलप करो आप, तो ये सब आप कर सकते हो, बेटर है इसमें आप इन्वेस्ट करो टाइम, क्योंकि आज न कल ये करना ही है, या तो आप प्रोफेशनल करने के बाद आप करोगे या तो आपको अब करना है, बेटर है आप अभी जल्दी स्टार्ट कीजिए, कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपकी पढ़ाई में भी आपको इसका फायदा मिलेगा और कॉन्फिडेंस बहुत आपको फील होगा कि आप थोड़ा डिफरेंट हो, चेंज हो गए हो और आपका पर्सनैलिटी थोड़ा अच्छा हो गया है। तो ये सब था, ये सब मुझे आपको बताना था, एक्शन प्लान, और अगर कुछ लोगों को पढ़ाई नहीं करनी है तो आप थोड़ा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे ध्यान दो, थोड़े बहुत कहीं पार्टिसिपेट कीजिए, कहीं प्रेजेंटेशन दो, कहीं सेमिनार में इन्वॉल्व हो जाओ, तो ये सब में आपका थोड़ा ज़्यादा फायदा होगा मेरे हिसाब से, रादर देन कि कोई NCFM या NISM के सर्टिफिकेट करने से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया, उसका कंटेंट या मेरे व्यूज़ अच्छे लगे, तो आप बिल्कुल मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।